अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, आगे जो है बड़े बरकतों वाला बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है, यानी कि रमज़ान महीना रमज़ान आने वाला है। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना रही। खैर, घर की तैयारियाँ और सफाइयाँ वगैरह, जो रमज़ान से पहले सफाइयाँ वगैरह भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे घर में ही, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। खैर, मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को। और अभी जो है घर में क्या हो रहा है वो भी बताती हूँ आप लोगों को, सारी क्या कर रहे हैं वो भी बताती हूँ आप लोगों को, सारी चीज़ें बताती हूँ। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ बन रहा है खाने के लिए? क्या बन रहा है? पुलाव बन रहा है, वाइट चने वाला पुलाव बन रहा है। कौन बना रहा है? आप बना रही हैं? पता ही नहीं था मुझे। और अंदर क्या हो रहा है? अम्मी बैठी हुई है, नहीं तो नहीं अभी बैठी हुई हैं। और यहाँ पे जो है अबू लेके आए थे राशन, जो कि अभी तक यहीं पे पड़ा हुआ है। इसमें जो है काफ़ी सारा सामान है, बेसन वगैरह जैसे कि रमज़ान के लिए होता है। ये देखें, बेसन है, माछ की दाल और वाइट चने, मतलब कि बहुत सारा सामान है। अंदर देखिए आप लोग। और इसमें क्या है? इसमें ऑयल वगैरह है, आटा वगैरह तो डालिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके वैसे घुंघराले बाल है ना, ऐसे हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही? स्कूल नहीं गई? आज संडे है और अम्मी क्या कर रही है? अम्मी के सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसलिए अम्मी बैठी हुई है। और ये जो है आई थी एक जूस की बोतल, जो कि हम लोग रमज़ान में यही वाला पीते हैं, हम लोग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्मी ने कहा मेरे लिए बना दे फटाफट से, तो मैंने यहाँ पे ये देखे, ये मैं यहाँ पर चीनी हल्की हल्की रह गई थी तो मैं यही खोल रही थी। और ना मशीन लगी हुई है ना, तो इसलिए फ्रिज नहीं चल रहा, तो बर्फ़ भी नहीं है इतनी, ठंडा पानी है, लेकिन ठंडा पानी डालना, फिर बर्फ़ डालनी, तभी जाके ये अच्छा लगता है शरबत। तो इसलिए अम्मी ने कहा मुझे ये बनाना है। अम्मी के सर में भी दर्द हो रहा है, अम्मी के सर में दर्द होता है, अम्मी कहती नींबू पानी बना दो, नींबू पानी तो है नहीं, तो ये आज कल ही आई बोतल, तो अम्मी ने कहा चलिए यही बना दे। खैर, अभी जो है मशीन कब तक बंद होगी? छोले ना उबल नहीं रहे, सुबह से भिगो के रखे थे, अभी इस पर रखे हैं चूल्हे पर, तो ये उबल ही नहीं रहे, ये बहुत देर से उबलते हैं वाइट चने। खैर, अब ये उबलते हैं तो फिर उसके बाद जो है फ्रिज लगाऊंगी, उसके बाद, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। आप लोगों को दिखाती हूँ, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। देखें, इसमें आटा भी ऐसे पड़ा, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें बर्फ़ भी नहीं है, खाली पानी की बोतलें। ये भी रात में पानी आया है ना, तो हम लोगों ने लाइन का पानी आया था, तो उसको जो है बोतलें भरी हैं, तो वो फ्रिज में अभी भी थोड़ी देर पहले रखी हैं, और ठंडा पानी भी नहीं है। खैर, किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ है आज, मैंने बिल्कुल साफ़ किया हुआ है। ये देखें, किचन बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ पर ऐसे टप वगैरह निकाल के रखे हुए, ये सारा मसाला रखा हुआ है, लहसुन अदरक भी कूट दिया, खाना वगैरह बनने लगा है। आज वाइट चने बनेंगे, कितने टाइम बाद, बहुत टाइम बाद बनेंगे। वैसे बनते हैं दाल चावल, चने की दाल वाले चावल, और आलू वाला पुलाव, बिरयानी, लेकिन वाइट चने कल ही आए ना, तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद बन रहे हैं। खैर, मैं फटाफट से चीनी खोलती हूँ, मम्मी को बना के देती हूँ शरबत, गर्म पानी से बना के देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। और जब स्कूल के शूज़ पहन के पता नहीं क्या करने में लगी हुई है। शूज़ तोड़ने हैं क्या? हैं, शूज़ तोड़ने? नहीं। और फिर? खैर, मैं अभी काम वगैरह करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो भाई, कब से वेट कर रही हूँ मैं खाने का, और फाइनली अब देखें 4 बज चुके हैं और 4 बजे खाना मिल रहा है हमें खाना, क्योंकि ना दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, फाइनली खाना बन चुका है। मैंने कहा फटाफट से मेरे लिए चावल डाल दो, ये देखें बड़े मज़ेदार से चावल, हाँ कुछ भी मज़ेदार, बड़ी मज़ेदार आ रही है। कैसे बने मम्मी? अच्छे हैं। मुझे पहले ही बहुत भूख लगी, आज बहुत ज़्यादा भूख लगी। अभी फटाफट से हम लोग खाते हैं खाना, और फिर उसके बाद आते हैं खाते हैं। मुझे भी दे दो प्याज। तो भाई, दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद कुछ था ही नहीं करने, क्योंकि आज संडे, आज फारिग दिन था, आराम का दिन था। संडे का वैसे भी फारिग दिन होता है, आराम का दिन होता है। खैर, हम लोग आराम वगैरह कर रहे थे, यानी कि बस फारिग ही बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। आज मैं नहाई, और इतनी ज़्यादा भी मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है। अम्मी बोली पता नहीं क्यों सर्दी लग रही है तुझे, क्यों लग रही है अम्मी मुझे सर्दी? आज तो सर्दी थी भी नहीं, है ना? बुखार बुखार तो नहीं हो गया? गर्म तो वैसे भी हो रही, कोई नहीं बुखार कोई नहीं बुखार। खैर, अभी जो है शाम का टाइम भी हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले मगरिब हुई है, तो खैर मुझे ना अभी, मैंने दोपहर को चावल खाए थे और माशाल्लाह आज मैंने बहुत ज़्यादा चावल खाए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा,
गया, अभी मुझे दोबारा भूख लग रही है, मैं फिर से खाना खाने लगी हूँ। और चावल देखें हमारे, जब अच्छे चावल बनते ना तो हमारे घर में बचते नहीं है, वरना अगर अभी अच्छे नहीं होते ना तो ये पतीला भरा हुआ होना था, लेकिन अभी अच्छे बने ना। खैर आज मेरी बहन ने बहुत मजे के चावल बनाए, बहुत मजे के बनाए। खाना बनाते वक्त ना मैं उसके हाथ चूमती हूँ, दर्दे आस्ते मैं हाथ चूमती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, और अगर अच्छे चावल नीना बने हुए होते तो फिर मैं नहीं खाती, तो थोड़े से खाती, लेकिन अच्छे बने हुए थे तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खा लिए। और ना नहाने से पहले मैंने ना ऊपर की सफाई वगैरह भी कर ली थी, वो भी आप ना वो दिखाती हूँ जाके, नहीं तो मेरी बहन ने बताया मैंने लाइट चालू करनी है, मेरी बहन ने कहना लाइट बंद कर दे, मेरी बहन क्या कर रही है मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। तो अपनी बहन से ही पूछना कि उसको सर्दी लग रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखे मैंने जो अपने कमरे की सारी सफाई कर दी, अपने बिस्तर दिखा देती हूँ मैं, और तो कुछ मैं दिखाऊंगी नहीं। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सर्दी लग रही है, तो ये कंबल क्यों किया भाई? ये कंबल करके लेटी हुई है और कह रही सर्दी भी नहीं लग रही, क्या बात है। ये देखो इसने अभी अभी खाना वगैरह खाया और कह रही है मुझे सर्दी भी नहीं लग रही। खैर ये एक चुड़ैल भी मेरे पीछे पीछे आ चुकी है, अब ये फटाफट से खाना खाती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे सूट कैसे लग रहा है? अब बोलेगी मेरा सूट पहना है, क्योंकि ये इसका सूट ना तो मैंने पहन लिया। खैर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है मेरा, खैर वैर नहीं अब मेरा कोई सूट निकाल के पहन लेना, कह रही ब्लॉग तो बन गया तेरी शामत है। खैर अभी मैं खाना वगैरह खाती हूँ, उसके बाद आप मैं बताती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। अभी जिम जाए, वो वॉक पे जाएंगे, नहीं वॉक पे जाएंगे, अरे नहीं वॉक पे जाएंगे नहीं। ये मेरी एक बहन है ना, ये बहुत ज़्यादा सुस्त है, ये कभी भी मेरे साथ वॉक पे नहीं जाती। अभी लाइट जाएगी ना तब तो इसको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन जब ये मोबाइल देगी ना भाई को 2 घंटों के लिए, तब ये बोलेगी अच्छा कहीं बाहर चलते हैं वॉक पे चले, फिर ये बोलेगी। खैर ये मुझे ऐसे खड़े होकर क्यों देख रही हैं आप? इसका ना फीडर आज गली में चला गया था, कोई बच्चा उठा के ले गया था, इसने जो हमारा जीना हराम किया कि मेरा फीडर। है इसने आज बहुत ज़्यादा तंग किया हमें, और आप लोगों ने बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।